हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुशम लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, आपकी जो जनवरी की फर्स्ट वीक की जो टॉप 5 वैकेंसीज है उसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज निकली उसके लिए आप अप्लाई कर सकें। उसके अलावा जो है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कब किसके लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अप्लाई कर सके जल्द से जल्द। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो निकाली है यूपी ट्रिपल एस ने निकाली है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने, कृषि उत्पादन मंडल परिषद ने। तो ये जो वैकेंसी निकाली है उसका आवेदन जो आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और उसकी लास्ट डेट जो है आपकी 12 जनवरी है। तो फर्स्ट वीक मतलब कि अभी जो वैकेंसी है लेटेस्ट वैकेंसी है ये, और इसके लिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 16 वैकेंसीज हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में। तो ये जो है एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें जो है एक रोड रोलर चालक की एक वैकेंसी है और नक्शा नवीस मानचित्रक के लिए 15 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी है। इसकी जो एप्लीकेशन इसका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जिसके ज़रिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पेशल उन्होंने कुछ नोटिस जारी किया है, उसके लिए अपन बता देते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संवर्गों में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित सिविल अपील संख्या के इनके अवमानवाद उपरोक्त सिविल अपील में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 30 अक्टूबर 2018 के अनुपालन में प्रकाशित किया जा रहा है ये। और इसके अलावा जो है इसकी एप्लीकेशन आज की लास्ट डेट जो है सिर्फ 10-15 दिन दिए गए हैं आपको, तो आप जल्दी से जल्दी इसकी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आपकी जो है यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाना है, uptriplesc.government.in पे, जहाँ पे आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, तो आप वहाँ पे आपकी डिटेल फिलअप करें, रजिस्ट्रेशन करें वहाँ पे uptriplesc.government.in की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन आएगा बाद में। तो आप फीस किस तरह से सबमिट करना चाहते हैं ये आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम सेलेक्ट करना है ऑप्शन, और फिर आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट लें, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ भी प्रोसेस होता है इसमें तो आप उसमें आप रजिस्ट्रेशन आपकी डिटेल आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद में जो है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या होगा। इस फर्स्ट पार्ट में आपके रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट पार्ट में आपको अपनी संबंधित आवश्यक सूचना भरना है। उसके फील्ड के लिए सूचना भरने के हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको सावधानीपूर्ण पढ़े, आपके निवास श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, आपका वैलिड मेल एड्रेस, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि जो भी आपकी इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो आप इसमें डालें, और फिर अपने पेरेंट्स का नाम, अपना नाम वगैरह सब कुछ इसमें फिलअप करना है, एंटर करना है, वेरिफिकेशन करना है उसका, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप ले सकते हैं, और फोटो और हस्ताक्षर आपके स्कैन फोटो और आपको सिग्नेचर डालने हैं। फोटो आपकी अभी की होनी चाहिए और फोटो की साइज जो 35 mm होनी चाहिए और उसका 70% भाग चेहरे से, मतलब चेहरा उसमें क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटोग्राफी अपलोड करें और उसकी 5 KB से आपकी 30 KB आपकी फ़ोटो की साइज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म अपनी कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में जो शुल्क का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, SBI के चालान के थ्रू कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फ़ीस जो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सबमिट कर सॉरी अंतिम तिथि के हाँ ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।
उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है आप तक जान लेते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के उनकी 225 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 225 है, अनुसूचित जाति की 105, अनुसूचित जनजाति की 105 और विकलांगों के लिए 25। वहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी फ़ीस ली जा रही है इन लोगों से। तो ये सारी फ़ीस आपको सबमिट करनी है उसके बाद में आवेदन करने के बाद में आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट लेनी है। अगर आपको कुछ आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो आप वापस से लॉग इन करके उसमें एडिट कर सकते हैं। आपका OTP जो आपके मेल पे आएगा और आपके मेल आईडी से आपके जो इसको अपन ओपन कर सकते हैं। और 19 जनवरी से पहले पहले आपका फाइनल सबमिशन इसका एप्लीकेशन फॉर्म का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल थी और आपकी जो इसके डिटेल में आपकी इसमें अलग से इसकी एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया गया है कि किस श्रेणी के कितने जो हैं लोग हैं, बल्कि किसकी कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, तो ये भी इसमें बताया गया है। और आपकी जो वैकेंसी की जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स है। निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए रोड रोलर चालक की और नक्शावीन मानचित्र की आपके 18 से 40 वर्ष आपकी जो एज लिमिट है, ठीक है, ये इसकी एज लिमिट है। उसके बाद में आपकी जो और डिटेल है आपकी 36, ये इसमें आरक्षण के आरक्षण वाइज भी इसमें डिटेल दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। आपकी अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है वो RT पास होनी चाहिए रोड रोलर चालक के लिए, और जो नक्शावीन मानचित्र के लिए आपका उसमें हाई स्कूल मतलब 10th पास होना चाहिए आपका। तो इसमें आप 8th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नक्शावीन मानचित्रक के लिए आप हाई स्कूल पास होना चाहिए आपका। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें, और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपके लिए, आपको अच्छा चांस है आपको इसमें कृषि विभाग में अपना करियर बनाने का। नेक्स्ट अपनी जो है वह है डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो DDA ने जो वैकेंसी निकाली है वो 207 वैकेंसीज के लिए निकाली है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी है। 25 जनवरी से पहले पहले आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 207 वैकेंसी है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है DDA.org.in पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 207 वैकेंसी है, इसमें लॉ ऑफिसर की है, इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। इसमें आपका ग्रेजुएशन आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसकी कंप्लीट डिटेल DDA.org.in पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, लॉ ऑफिसर की, प्लानिंग असिस्टेंट की, प्रोग्रामर की, जिसने टेक्निक डिप्लोमा और डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके लिए भी वैकेंसी है। JEE सिविल की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर की भी इसमें वैकेंसी है, जिसने एग्रीकल्चर में कर रखी है ग्रेजुएशन, उसके लिए भी वैकेंसी है। आर्किटेक्ट असिस्टेंट, अगर डिग्री इन आर्किटेक्चर कर रखा है तो भी नायब तहसीलदार के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें मिनिमम एज आपके 21 टू 30 ईयर्स है, आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ASO की जो वैकेंसी निकली उसमें भी आपकी जो वैकेंसी है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड D, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए और आपके स्किल टेस्ट होगा इसमें, तो आपके कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग आपकी स्पीड जो होनी चाहिए 10 मिनट में आपके 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मतलब कि 10 मिनट का आपको इसका ड्यूरेशन होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा PGDA होना चाहिए इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर। तो ये थी इसकी वैकेंसीज, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 207 टोटल वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका DDA.org.in पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने वैकेंसी निकाली है आपकी 958 वैकेंसी निकाली है कोटा, ठीक है, कोटा मंडल के लिए निकाली है। 958 वैकेंसीज है। इसमें कैटेगरी वाइज जो दे रखी है इसमें कितनी वैकेंसी जनरल की अलग है STSC की, तो ये आप स्क्रीन पे डिस्प्ले है आप देख सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मेशन, कारपेंटर, इनकी वैकेंसी निकाली है। टोटल आपकी 958 वैकेंसीज है। उसमें जो है दसवीं पास अगर कर रखा है आपने तो, और आपने ITI डिप्लोमा कर रखा है इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल थी और इसमें टोटल 958 वैकेंसी, तो आपके लिए अच्छा चांस है रेलवे में अपने करियर बनाने का। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ, अंतिम तिथि आपकी है 16 जनवरी। शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए
प्लस आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और इस तो ये डिटेल्स में, और 15 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलेक्शन आपको STSC OBC के अकॉर्डिंग आपका जो रिलेक्शन है वो दिया गया है। भर्ती की प्रणाली है आपकी 10th के समकक्ष के, जो आपकी सेलेक्शन आवेदन का तरीका आपका ऑनलाइन है। इसकी एप्लीकेशन फीस 70 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ निर्धारित फीस शुल्क है। 170 रुपीज़ आपका टोटल एप्लीकेशन फीस सबमिट होगा, कि आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, चालान से भी आप सबमिट कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन, सॉरी फीस। उसके बाद में इसकी डिटेल, और आपको अगर कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। और 16 जनवरी से पहले आप इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अपनी, 4th नंबर की वैकेंसी है निकाली BAMETI ने, बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ने। इसमें जो वैकेंसी है वो 2115 वैकेंसी थे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी कंप्लीट डिटेल जानें, और इसके लिए जो अप्लाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज में है लेखपाल की वैकेंसी निकली है इसमें, और आंसू लिपि की वैकेंसी निकली है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की निकली है, सहायक तकनीकी प्रबंधक की निकली है। इसमें लेखपाल की अलग से वैकेंसी, मतलब इस तरह से आपकी अलग अलग वैकेंसी, लेखपाल और लेखपाल और सहायक तकनीकी प्रबंधक की जो वैकेंसी निकली है इसमें मैक्सिमम ईयर्स आप एज इसकी पोस्ट वाइज दे रखी है, आप इस टेबुलेशन फॉर्म में देख सकते हैं। 1 जनवरी 2018 तक आपकी जो एज लिमिट है वो भी बता रखी है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें लेखपाल के लिए आपका BCom होना चाहिए, और आंसू लिपि के लिए आपका स्नातक एवं आंसू लिपि का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स मैक्सिमम इसकी एज लिमिट है अगर मैक्सिमम। और प्रखंड तकनीकी या आपका कृषि विज्ञान, और उसमें आपके अगर एग्रीकल्चर में आपके स्नातक कर रखिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का निवासी इसमें कंपलसरी है, कोई और के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर्स एज रिलेक्शन OBC वालों को दिया गया, STSC वालों को दिया गया, और 3 ईयर्स आपको OBC वाले को एज रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन है आपका BAMETI.org पे कर सकते हैं। उसके अलावा www.krishi.bih.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम विज्ञापन की तिथि, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, 5 जनवरी से आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको बहुत अच्छा हुआ है कि विज्ञापन की तिथि से 5 बजे से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 5 जनवरी से, ठीक है। तो 5 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो इसकी आप अंतिम के निस्तारण की प्रोसेस, फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है आपकी वो, सॉरी, आप आवेदन देने की अंतिम तिथि आपकी 5 जनवरी है, और आज का जो मेरिट लिस्ट है आपकी 16 जनवरी को आपकी डिस्प्ले हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी इसकी जो डिटेल है वो अवेलेबल हो जाएगी, कौन सेलेक्टेड हुआ कौन है। तो आपके पास 1st वीक जनवरी की ये वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 जनवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर दें। 2115 वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो अपना है वो है UPSRLM की वैकेंसी निकली है। UPSRLM में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1615 वैकेंसीज हैं। 1615 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, और इसका जो इंटरेस्ट करने का शो अप्लाई टिल 8 जनवरी 2019, तो मतलब 8 जनवरी से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज निकली है वो ब्लॉक मिशन मैनेजर की निकली है, और सोशल डेवलपमेंट की इसमें वैकेंसी निकली है, और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर और ब्लॉक मिशन मैनेजर की वैकेंसी निकली है। इसकी डिटेल ये है अवेलेबल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 8 जनवरी से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी डिटेल, और इसके अलावा जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें है कि आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इसमें, और स्टेट मिशन मैनेजर के लिए आपका MBA होना चाहिए, और मिशन मैनेजर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये इसकी इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल मैंने इस पर दिखा रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट मतलब कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आपने रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 8 जनवरी से पहले। तो दोस्तों ये थी इसकी आज की जो 1 जनवरी की जो आपकी वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 वीक जनवरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है जो निकली हुई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा टारगेट बनाइए, 2019 में एक गवर्नमेंट जॉब पाना ही पाना है। तो ये ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।